नमस्कार भैया बहनी, अपने बच्चे देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। प्रदेश में ही महिला अपराध बढ़ते जात लाग हवे, जो ने मा ही रीवा नंबर एक माहौल में कोनो कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। आए दिना कबहू दहेज के लाने तो कबहू छेड़छाड़ कई के तो कबहू दुष्कर्म के नाई वारदात महिलन के साथ होत लाग रहा थी वे। अब यह वीडियो देखी अपना, जोने मा ही दहेज के लाने एक नई बहुरिया के साथ उनकर सास और ननद मारपीट कर रही हमा। यह वीडियो कब के आए एकर तो पुष्टि नहीं भय, पर ऐसा बतावा जाला हवे कि यह गोदहा गांव के आए। अब यही से अपना पंचे अनुमान लगाए ले कि जोन महतारी अपने बिटिया के लाने ओके मायके जाए के लड़ जाती हैं, वह दूसरे के बिटियन का अपने घरे में लाए के कैसन अपन तेवर बदल लेती हमा। पति और पत्नी के रिश्ता प्रेम और विश्वास के नीम मा ही टिका होत हवे, आपस में ही छोट मोट गलतिन का भुलाए के साथ रहा थमा, पर कबहू कबहू छोट मोट विवाद गंभीर रूप ले थमा। ऐसे देखने का मिला है रायपुर कलचुरियान माही, जहाँ के सिदुरा गांव में एक पति पत्नी के विवाद में ही पति अपने पत्नी के पैर में गड़ासा से वार कर दिए, जोने कारण अब पत्नी लल्ली कोरी गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में भर्ती है। अपना का बताइए कि एक हाथ से दिव्यांग पति रामकलेश कोरी के विवाद पत्नी के साथ था और बाद में ही पत्नी का खेत में ले जाए के पहले से लुकाए गड़ासा से हमला कर दिए। अब आरोपी पति पुलिस के हिरासत में हवा। क्या नाम है आपका? कौन मारपीट किया है आपके साथ? किस वजह से? मेरी भाभी बोले कि चलो खेत घूमने चलते हैं, वो खेत घूमने गया और वो जब वापस आया तो जो है तो गड़ास वहाँ पर रखे थे हैं, तो पीछे से बात कर दिए, बोले तुम आगे आगे चलो, हाँ जब वो आगे चल दिए तो पीछे से बात कर दिए। बुलेटिन के अगली खबर ही वह इंदौर से, जहां रीवा के बिटिया का बस ड्राइवर कुचल दिए। एक पीएससी के तैयारी करे वाली छात्रा का जो उनके सड़क के किनारे खड़ी रही, उनका तेज गति से वाहन चलावे वाले बस के चालक रौन दिहिन। अपने को बताई कि घटना आईटी पार्क के सामने भय, जहां सड़क के किनारे खड़े हुए के कोचिंग जाए के लाने सिटी वैन के इंतजार करत रही अंचल। अपना को बताई कि युवती के घटना स्थल में मौत हुई है, जिनका शव अब जिला अस्पताल में है। बुलेटिन के अगली खबर हुए बिछिया थाना के नियरे से, जहां झिलपरा माँ उस समय अफरा तफरी के माहौल बनेगा जब धान के लोड ट्रक में अचानक से आग ही लग गए। अपने को बताए दे कि ट्रक धान लोड गई के वेयर हाउस खातिर जात रहा, यही समय ट्रक चालक इमरान अली कवनो मेर से कूद के अपन जान तो बचाए लेहिन, लेकिन ट्रक के केबिन से आग ही शुरू भय और पूरे ट्रक का अपने चपेट में ले लिहिस। पूरा ट्रक धू धू कई के जल के राख होएगा। तीन महीना पहले शहीद हुए दलदल गांव के करणवीर सिंह राजपूत ता अपनों का याद हुई ही, पर सरकार का साथ भी सरी गए हमा। अपना का बताए दे कि शहीद के पिता रवि सिंह आही जे रिटायर्ड सूबेदार मेजर हमा, पिता और पुत्र देश के सेवा में ही जीवन न्यौछावर हुए के कसम खाए के साथ है देश के सेवा करें और वही माँ पुत्र बलिदान हो गए। शहादत के खबर पाए के सांसद विधायक और मुख्यमंत्री घलाए आए, घड़ियाली आंसू बहाइन वादव करें और इतना हर भी बिसरी उगे। शहीद के पिता और भाई बताएं के नौकरी नहीं मिल रही है, जबकि दस्तावेज जमा कराए दी नहीं वे, ना तो शहीद के नाम से स्मारक बन पावा, जोने के सरकार वादव करे रही। अपना सुनी शहीद के परिवार के का कुछ बताए रहे हम। सांसद विधायक और आम पब्लिक के सामने जो भी कुछ बोला था उस समय, वो आज तक कुछ भी नहीं किया है उन्होंने। 2002 में शहीद हुए थे और सरकार ने वादा भी किया था कि जमीन देंगे और जे कॉलोनी का नाम बदलने के लिए एक इमारत बनाने के लिए वादा किया था। बुलेटिन के अगली खबर ही वह सतना से, जहां रात के 9 बजे पंच और सरपंच के फॉर्म भरे खातिर भीड़ जुहान रही, वहां एनओसी न मिलने के कारण विवादों की स्थिति बनी, जोने माही तहसीलदार का पैसा खाए के एनओसी बनवावे के आरोप लगा और उनके मुर्दाबाद के नारा खलाए लगा बगा। देखिए रिपोर्ट। सिस्टम से काम नहीं हो रहा है। धावन में हमारे आज धावन हमारा और दिया गया पर्ची धावन कितना समय हो गया है? 3 बजे 8 बजे की आया है दिया गया तक काम नहीं। हमारा टोकन नंबर 35 है, 100 नंबर टोकन वाले को मिल गया, 35 वाले का नहीं मिला। अभी नहीं मिल रहा है कुछ नंबर, कुछ किया नहीं जा रहा है। सत्य है, पैसा लेकर के ईश्वर प्रधान जी जो है तो यहाँ फार्म जमा करवा रहे हैं और फार्म निकलवा रहे हैं। इस समय में ही सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है,
जौन केर सतना के बतावा जा रहा है। यही संबंध में ही कटनी पुलिस शादी करे और धोखाधड़ी कह के ठगी करे वाले एक गिरोह के पर्दाफाश करी। एक गिरोह के लोग शादी खातिर दिखाई बिटियन के फर्जी रिश्तेदार बन के लड़का के पक्ष से लाखों रुपया के ठगी करत रहे। हम बीते दिन में कैमूर पुलिस सतना के बांधवगढ़ कॉलोनी से यह मेर एक महिला के गिरफ्तारी आधी रात के कीन। बाजार और मोहल्ला के अतिक्रमण करे वाले दुकानदारन का कई एक बेर हटावा जात है। पर बेर बेर अतिक्रमण करे वाले अपन दुकान पुनी सड़क में जमाए ले थमा। मंगलवार का ही पुनी के अतिक्रमण वाली दुकानन का नगर निगम के अमला हटाए। यह कार्रवाई कला मंदिर मृगनैनी चौराहा से लेके सुपर स्पेशलिटी तक भय। अपना का बताया कि अमेर के अतिक्रमण के कारण यहाँ से निकले वाली एम्बुलेंस घंटन जाम के फेर में फंसी रहती है। देखिए पूरी कार्रवाई। जिला रीवा एवं आयुक्त नगर निगम रीवा के निर्देश पर कला मंदिर मृगनैनी चौराहे से लेकर कला मंदिर रोड सुपर स्पेशलिटी के गेट और चंद्रलोक होटल के आसपास जो अतिक्रमणकारी सड़क पर सामान रखते थे, ठेला गोमती खड़े होते थे और मसाला वाले अपनी दुकान लगाते थे, उनको सबको हटाया जा रहा है। विशेषकर मेरा फोकस कला मंदिर पर है जहाँ की एम्बुलेंस निकलती हैं और जाम लगता है, तो उनको पूरा खाली कराया जा रहा है और प्रयास रहेगा कि ये हमेशा स्थिति ऐसी ही रहे। हॉस्पिटल के गेट में दुकानें बनी हैं, वो हॉस्पिटल नहीं हटाए। हॉस्पिटल के गेट में भी दुकान हटाने की कार्रवाई चल रही है, निरंतर जारी है, उनको बराबर हटाया जाता है और फिर हटाया जाएगा। सजी हुई दुकान हटाया गया है, फिर हटाया जाएगा। खुद का ही दिल्ली के अफसर बताए के पुलिस का अपन रॉब छाड़े वाले युवक का जब मऊगंज के पुलिस लताड़िन तक जाए के उनका फर्जी बाड़ा उजागर भा। अब आरोपी से मऊगंज पुलिस पूछताछ कर रही है। अपना का बताए कि युवक खुद का ही क्राइम ब्रांच के अफसर बताए के मऊगंज पुलिस के भ्रष्टाचार के शिकायत के जांच के बाद करें एक बार की तब पुलिस खुद हैरान हुई गई। शंका होए पर राहुल परासर से पूछताछ भय तब कौ में के समान युवक से बरामद था और कौ में के असलियत सामने आई है यह अपनो जानी। यहाँ कैसे आए थे? तो काहे की यूनिफॉर्म वाले हो? रीवा जिला में ऐसा विद्यालय हमा जहां कोरोना काल के समय में पढ़ाई नहीं भय अना लाइव क्लास चली ओके बाद छात्रन से मनमानी फीस मांगी जा रही है और उनका धमकी दिन जा रही है कि अगर कोरोना काल के पूरी फीस जमा नहीं करी ही तो परीक्षा में उनका बैठे न दिन जाये। एक विरोध NSUI के जिला उपाध्यक्ष रवि सुमित सिंह और उनका साथी करें और शिक्षा अधिकारी से कहें कि छात्र के फीस माफ की जाए और सम्मान के साथ उनका परीक्षा देने दे जाए और मनमानी फीस मांगे वाले विद्यालय के मान्यता का रद्द की जाए। एक बाद NSUI के कार्यकर्ता जिला शिक्षा अधिकारी गंगा प्रसाद उपाध्याय का ज्ञापन दई के कार्रवाई के मांग करी ही शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद शिक्षा मंत्री होश में आओ छात्रों की फीस। आज हम मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री के नाम जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि कोरोना काल में जो लॉकडाउन लगा था विद्यालय नहीं लगी थी, बस ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे मात्र व्हाट्सएप पे मैसेज करके ना तो कोई पढ़ाई कराई गई थी ना तो लाइव क्लासेस चलाई गई थी, उसके बावजूद कुछ प्राइवेट स्कूलों द्वारा छात्रों से जबरन फीस वसूली की जा रही है। जैसा कि अभी परीक्षा चल रही है विद्यालय में, परीक्षा से वंचित किया जा रहा है छात्रों को कि आप फीस जमा करिए उसके बाद परीक्षा देने दिया जाएगा। इसलिए हम शिक्षा मंत्री से मांग करते हैं कि ऐसे प्राइवेट विद्यालयों की मान्यता रद्द की जाए। दिल्ली के मतलब है कुछ ऐसे प्राइवेट संस्थाएं हैं जहां पर बच्चों को परीक्षा देने से रोका जा रहा है फीस के कारण, तो उसको देखते हैं, जांच करवाते हैं क्या मामला है, क्या दिक्कत है उनकी। यदि इनका कहना जायज है तो नहीं, अभी इन लोगों ने कहा कि पुरानी फीस जो है वो मांग रहे हैं कि कोरोना काल की पूरी फीस मुझे चाहिए। अब उनकी हम देखते हैं, जाँच करवाते हैं कौन विद्यालय ऐसा है। देखिए रीवा के तमाम खबर अब बघेली में। नमस्कार।